साउथ इंडस्ट्री के एक्टर जो सलमान खान के साथ दबंग 3 में काम कर चुके हैं, मैं बात कर रही हूँ खींचा सुदीप की। उन्होंने हिंदी फिल्मों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। अब तक तो साउथ की फिल्मों को बॉलीवुड में और नॉर्थ की ऑडियंस बहुत पसंद कर रही थी और साउथ की फिल्में बॉलीवुड की कई फिल्मों को पछाड़ भी चुकी है, लेकिन खींचा सुदीप के इस बयान ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दी है कि कहीं साउथ की फिल्मों को जो पसंद किया जा रहा है वो करके हम गलती तो नहीं कर रहे हैं, कहीं बॉलीवुड के साथ साथ हिंदी भाषा की वैल्यू भी ख़त्म करने की तैयारी तो नहीं है। आपको बता दें कि हिंदी भाषा को लेकर पिछले कुछ समय से एक विवाद चल रहा है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने जब से कहा कि हिंदी भाषा बोलना अनिवार्य करे और साउथ इंडियंस को भी हिंदी भाषा आनी चाहिए, उस पर ऑलरेडी प्रकाश राज ने एक बयान दिया था और कहा था कि हिंदी हम पर ना थोपे। और अब इसी बीच खींचा सुदीप ने भी बॉलीवुड पर बात करते हुए हिंदी भाषा के लिए एक बड़ी बात बोल दी। खींचा सुदीप ने कहा कि अब हिंदी भाषा नेशनल लैंग्वेज रही नहीं है। खींचा सुदीप से जब पूछा गया कि अब तो कन्नड़ फिल्में भी जो हैं वो पैन इंडिया में बन रही है, तो उस सवाल को बीच में रोकते हुए ही खींचा सुदीप ने कहा कि आपने क्या पूछा, अब कन्नड़ फिल्में पैन इंडिया में बन रही है। मैं एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूंगा कि हिंदी अब राष्ट्रभाषा नहीं रही, अब बॉलीवुड में पैन इंडिया फिल्में बन रही है। बॉलीवुड वाले तमिल और तेलुगु फिल्मों के रीमेक्स बना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बड़े नहीं बन पा रहे हैं और हम रीजनल लैंग्वेज में फिल्में बनाकर दुनिया भर में राज कर रहे हैं। ये बड़ा बयान खींचा सुदीप ने दिया है, कहीं ना कहीं हिंदी भाषा पर उन्होंने तंज कसा है। आपको क्या लगता है हिंदी भाषा पर ये जो सवाल साउथ इंडस्ट्री से उठा है इसके पीछे रीजन क्या है? बॉलीवुड वालों की अत्यधिक डिपेंडेंसी साउथ फिल्मों पर, उनके रीमेक्स बनाएंगे, उनके कॉपीराइट्स खरीदेंगे, गाने कॉपी करेंगे, या फिर बॉलीवुड या नॉर्थ की ऑडियंस ने जिस तरह से साउथ की फिल्मों को एक्सेप्टेंस दी है, ये एक्सेप्टेंस ही कारण है कि हिंदी जो है वो एक बैक स्टेज चली गई और साउथ बहुत ज़्यादा रॉक कर रहा है। क्या लगता है आपको, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। वैसे आपको बता दें कि खींचा सुदीप के इस बयान को जहाँ उनकी ऑडियंस ने बहुत अच्छा माना है और कहा है कि बिल्कुल सही बात कही है खींचा सुदीप ने, वहीं कुछ लोगों ने आपत्ति जताई है और कहा है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, हिंदी पर इस तरह की बात करने की ज़रूरत नहीं।